नवरात्रि के आठवें दिन भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि नवरात्रि का आठवां दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है और इस तिथि का विशेष महत्व होता है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इनकी चार भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव शांत है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण है, इसलिए राहु दोष से निवारण के लिए इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और समस्त दुखों का नाश हो जाता है। माता महागौरी को धन वैभव की देवी भी कहा जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। इनकी पूजा करते समय वस्त्र किस रंग के पहनने चाहिए, अगर इसकी बात करें तो माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग माँ को बहुत प्रिय है। अगर माँ महागौरी के प्रिय पुष्प की बात करें तो माँ का प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है, यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख शांति और संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक है। इस बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हों तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती है और उसका जीवन उन्नतशील रहता है। आमतौर पर नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य ये है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीजें भी पहले देवी को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन ना करवा पाए तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर इन्हें भेंट करें, लेकिन संभव हो तो भोजन अवश्य करा दें। तो आइए जानते हैं माँ महागौरी का सिद्ध मंत्र, जिसके जप करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। माँ महागौरी मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज महाअष्टमी के दिन हमारे न्यूज चैनल एन भारत में विशेष कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। एन भारत चैनल के MD मौली शर्मा ने अपने हाथों से छोटी छोटी कन्याओं को भोजन परोसा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरी एन भारत टीम ने कन्या पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। सभी कन्याओं ने बहुत ही भक्ति भाव से माँ के प्रसाद का आनंद लिया और फिर पूरे न्यूज चैनल का भ्रमण करते हुए माता रानी के जयकारे लगाए। कन्याओं के साथ चैनल के सभी कर्मियों ने भी जमकर माता रानी के जयकारे लगाए।